मॉर्निंग टू एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल. माई नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज मोर देन अ सब्जेक्ट. वी आर गोइंग अहेड विद अ वेरी एंथुजियाज़म, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं. और उस एनर्जी को कैसे लेते हैं हम यहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल कोड के थ्रू हम एनर्जी गेन करते हैं, ताकि हमें आगे के जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी एनर्जी आ जाए हमें पढ़ने के लिए. देखो आज की क्या लाइन मैंने लगा रखी है, द बेस्ट एंड द फास्टर वे टू एक्वायर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ टू डू वॉट यू स्केयर टू डू. आपको सबसे ज़्यादा मतलब क्या ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. कभी कभी ऐसा होता है आपको बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन तब भी आप उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं करते हो. ठीक है, सेम एज़ विद द सब्जेक्ट, स्टडी के साथ भी यही है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि इस टॉपिक में हमें कम क्लियर हुआ है, ये टॉपिक ज़्यादा हमें टिपिकल लग रहा है. तो जो चीज़ें ज़्यादा टिपिकल लग रही हैं उसको और ज़्यादा करो, जिससे आप डरते हो उसको और ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, कन्फर्म है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर गेन होगा. यू कैन गेन द सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो विद दिस ब्यूटीफुल लाइन लेट्स स्टार्ट द सेशन. सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड. मैंने कल आपको बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में बताया था. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एड क्या होते हैं. एड हमें किसी भी मतलब पर्टिकुलर थिंग्स को या पार्ट्स को पढ़ने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया था टीचिंग एड, जैसे हमें टीचिंग करनी है तो हमारे पास बहुत सारे एड होते हैं. जैसे चॉक का यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब हमारे लिए क्या हो गए, टीचिंग एड हो गए. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही है प्रॉपर, तो आप जो है वो क्या नाम है, वो साइट एड यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ और भी एड यूज़ कर सकते हो. मतलब वट एवर यू आर गोइंग टू डू, इफ़ समथिंग फैसिलिटेट यू टू डूइंग दैट, ठीक है, देन दैट कैन बी नोन एज एड. उसको हम एड बुला सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट एड देती है, ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि एड्स अलग है और ये एड अलग है. ठीक है, तो इन दोज एड वी डिस्कस्ड अबाउट द म्यूज़ियम के बारे में डिस्कस किया था, हार्बेरियम के बारे में बताया था मैंने आपको, बॉटेनिकल गार्डन बताया था, कि दीज टैक्सोनॉमिकल एड हेल्प टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताते हैं जिनको हमने देखा नहीं है, उनको कोरिलेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जिससे हमें और जो ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी करने में हमें हेल्प मिले. ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाए. क्लियर है, तो मैंने आपको म्यूज़ियम में बताया था, म्यूज़ियम में इंसेक्ट्स के बारे में बता दिया था. नाउ वी आर गोइंग अहेड, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है, दैट इज़ जूलॉजिकल पार्क्स. अब देखो, जूलॉजिकल पार्क से नाम से ही पता लग रहा है, जू मीन्स हेयर यू विल नॉट हैव द प्लांट्स. जैसे बॉटेनिकल गार्डन में ओनली प्लांट्स आर देयर बट एंड द एनिमल्स आर नॉट देयर, सेम एज इन द जूलॉजिकल पार्क देयर आर ओनली एनिमल्स विल बी देयर. केवल एनिमल्स होंगे, कोई प्लांट यहाँ पे नहीं होंगे. अब देखो, जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है कि एक तो नेशनल पार्क्स होते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे नेशनल पार्क्स होते हैं. वहाँ पे क्या करते हैं, एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में हम उसको कंजर्व करते हैं. ठीक है, जैसे कोई फॉरेस्ट है उसको हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब उसमें कोई जा नहीं सकता, उसमें कोई हंटिंग नहीं कर सकता. ठीक है, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, उनको उसी में हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ नेशनल पार्क. जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होगा कि हम कुछ वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ पर ले आते हैं. दीज आर द प्लेसेज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर. यहाँ पर हम उनकी केयर करेंगे. ठीक है, उनकी केयर करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, उनकी फूड हैबिट के बारे में पता लगेगा. ठीक है, अब आप नेचुरल फॉरेस्ट में तो नहीं जा सकते ना कि फूड हैबिट के बारे में पता लगा आप ही नहीं रहोगे. आप ही को पता लगा कोई एनिमल खा जाएगा, फूड हैबिट ख़त्म. ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन एनिमल्स को अपने पास रख के उनके बारे में स्टडी कर सकते हो. ठीक है, तो यही इन्हीं पार्क्स को हम क्या बुलाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बुलाते हैं. जैसे जो ज़ू में एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, As far as possible, all animals in a zoo are provided as far as possible. उनको भी हम उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं. जैसे आप जब zoo आपने कन्फर्म है आपने विजिट की होगी, जब आप zoo में जाते हो तो बहुत डिफरेंट एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, उन एनिमल्स को देख के हमें उनके करेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगता है, क्योंकि उनको उनके बारे में आपने केवल बुक में पढ़ रखा है, लाइव नहीं देख रखा है. तो जब आप उनको देखते हो तो उनके बारे में आपको पता लगता है. सेम एज जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं उसमें भी हम कुछ वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं और ह्यूमन की केयर में रखते हैं. ठीक है, उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, मतलब उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनको कोई हंट नहीं कर सकता,
कोई भी उनको हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। उनके केवल उनकी उनके बारे में स्टडी करने के बारे में, उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में, जो भी कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे एकदम सेम उनकी नेचुरल हैबिटेट में। जैसे आप जू गए होगे तो आपने लायन को देखा होगा, तो लायन को हम किसी क्या नाम है स्विमिंग पूल में नहीं रखते, या बहुत बढ़िया उसके लिए हम रूम नहीं बना के रखते, उसको एकदम फॉरेस्ट का एकदम लुक दे देते हैं। मतलब वहाँ पे पेड़ बहुत सारे ट्रीज़ होंगे, केव की तरह कुछ बना होगा, तो उसको उसको ऐसा लगेगा कि हम अपने नेचुरल कंडीशन में हैं। और केज वगैरह लगा होता है ताकि प्रोटेक्टेड रहें वो पूरी तरह से, आप भी प्रोटेक्टेड रहें और वो भी प्रोटेक्टेड रहें, समझ में आए। तो जूलॉजिकल पार्क हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम हेल्प ले सकते हैं जिसकी, इन दैट फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं कीज़। अब देखो कीज़ क्या होती हैं। कीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्लैंक स्लाइड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे सपोज़ ये लॉक है, बना तो नहीं पाऊँगा, जान लो ये लॉक है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे जहाँ पे चाबी लगती है, और ये मेरे पास कुछ की हैं, ये मान लो की हैं, ठीक है, कंसीडर कर लो ये की हैं, ये एक की है और ये दो की है, ठीक है, और ये लॉक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस लॉक को इसमें, इस की को इसमें लगाएंगे, इस लॉक में, पहली वाली की को। अगर ये इसमें लग गई तो जान लो ये इसमें फिट हो गई, मतलब ये इसको क्या कर सकती है, अनलॉक कर सकती है। अगर वन नहीं कर पाया तो हम क्या कर लेंगे, टू की हेल्प लेंगे, दो सेकंड वाले को यूज़ करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं। हम अगर सपोज़ आपके पास एक ही की होती है नंबर वन, ठीक है, और वही की होती है, अब पता नहीं वो लगती कि ना लगती, तो क्या, तो प्रॉब्लम होती कि हो सकता है लॉक खुल जाए, हो सकता है लॉक ना खुले। तो आप हमेशा क्या रखते हो, अल्टरनेट की रखते हो कि चलो अगर वन से नहीं खुलेगी तो टू से खुल जाएगी, समझ में आया। सेम एज हम भी क्लासिफिकेशन में अल्टरनेटिव करेक्टरिस्टिक लेते हैं, जैसे हमने, ठीक है, पहला करेक्टरिस्टिक ले लिया और दूसरा करेक्टरिस्टिक ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो एक करेक्टरिस्टिक हमने ले लिया मेमोरी ग्लैंड, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक करेक्टरिस्टिक हमने ले लिया मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, दूसरा करेक्टरिस्टिक ले लिया हमने, हमने ले लिया मान लो टिश्यू या ऑर्गन लेवल, या मैं कुछ और इजी विंग ले लेते हैं, चलो विंग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास कोई एनिमल है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स से मैच करेंगे कि क्या उस एनिमल के पास मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। तो आपका अगर है तो आपको एक लीड मिल गई, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, जब आप एक शॉट मतलब एक पॉइंट गिरा देते हो तो आपको, आप लीड में हो, समझ में आया। तो आपने एक करेक्टरिस्टिक को मैच कर लिया तो आपको एक क्या मिल गई, लीड मिल गई। सपोज मेमोरी ग्लैंड नहीं उससे मैच हुई तो विंग मैच हो गई, इसके पास विंग्स हैं, हो सकता है दोनों मैच हो जाएं। तो दो कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेके एनिमल से हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है, उससे वेरीफाई करते हैं, और उन्हीं, ये जो करेक्टरिस्टिक लेते हैं ना कंट्रास्टिंग करेक्टर, इन्हीं को क्या बुलाते हैं, हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इन्हीं को कीज़ बुलाते हैं, समझ में आ गया। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि की क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हो। अब देखो, की इज़ एन अदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। अभी मैंने बताया ना कि सिमिलरिटी भी हो सकती है, डिसिमिलरिटी भी हो सकती है। कीज़ आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर। हम हमेशा कीज़ मतलब करेक्टर को दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे और उन्हीं कंट्रास्टिंग करेक्टर को कपलेट बुलाते हैं, ठीक है, कपल, ठीक है, कपलेट, कपल से बना कपलेट, क्लियर है। अब ये क्या हमें बताएगा, ये ऑप्शन चॉइसेस के बारे में बताएगा। जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल लेके बताया, की का एग्जांपल लेके बताया, तब करेक्टर का एग्जांपल लेके बताया, तो उसमें से हमें चॉइस के बारे में बताया कि दोनों में से कौन सा आप सेलेक्ट करोगे, जो सेलेक्ट करोगे वो लीड हो जाएगा। ये देखो, द रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। तो एक तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे मेमोरी ग्लैंड है तो उसको एक्सेप्ट कर लिए, विंग नहीं है तो विंग को रिजेक्ट कर दिए। ईच स्टेटमेंट, एक अगर आपको स्टेटमेंट आपने उसके बारे में लिख लिया, बना दिया, तो वो आपके लिए लीड हो गया, कीज़ में लीड मिल गई, समझ में आ गया। तो कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, अभी आपने देखा एनालिटिकल है ही है, मेमोरी ग्लैंड, विंग, ये सब एनालिटिकल ही तो हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कि वैसे की समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर की समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, फिर समझाऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ और भी हैं, जैसे फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है एनिमल्स और प्लांट, फ्लोरा, फौना, ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लोरा हैं, उनको लेके हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर सकते हैं। मैनुअल्स, कुछ मैनुअल्स बनाते हैं, जैसे लैब मैनुअल के बारे में आपने सुना होगा,
लैब मैनुअल में इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं। मोनोग्राफ में भी इंफॉर्मेशन होती है, कैटलॉग, आप कुछ खरीदने जाते हो तो कैटलॉग प्रोवाइड करा दिया जाता है कि ये भैया ये हमारे पास सामान है, इसमें से देख लो, इनका ये रेट है, तो उसमें इंफॉर्मेशन है। मतलब जो फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ्स हैं, कैटलॉग्स हैं, इसमें प्रिंटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। जिसको यहाँ पे लिखा रखा है मैंने, फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। फ्लोरा में हैबिटेट के बारे में लिखा होगा, किसी भी प्लांट के हैबिटेट के बारे में लिखा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इन अ गिवेन एरिया, जैसे कोई एरिया है, ठीक है, तो उसके उस एरिया का जो फ्लोरा होगा उसमें आप सारी चीज़ें लिखी होंगी कि इस एरिया में इस टाइप के प्लांट होते हैं, इनका ये हैबिटेट है। मैनुअल्स में क्या होगा, इंफॉर्मेशन लिखी होगी, टू आइडेंटिफाइज नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, मतलब ये सब किसी एरिया के लिए होंगे। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो तो शॉप में जाके, बहुत बड़ी अगर शॉप है तो शॉप वाला आपको क्या कर देता है, बहुत सारी बुकलेट दे देता है, ठीक है, कि भैया ये पहले बुकलेट देख लो। जैसे पेंट की दुकान पे जाते हैं तो पेंट वाला पहले बुकलेट दे देता है, तो उस बुकलेट में सब कुछ लिखा होता है कि ये कलर है, ठीक है। वैसे ही सेम फ्लोरा में क्या होगा, हैबिटेट के बारे में लिखा होगा। मैनुअल्स में क्या लिखा होगा, स्पीसीज की इंफॉर्मेशन होगी। मोनोग्राफ में क्या होगा, कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सा, किसी एक टैक्सा के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होगी। आपने कैटेगरी पढ़ रखी है ना, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, किसी एक के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन होगा। तो इनको ये सब प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं टैक्सोनॉमिकल एड में। तो समझ में आ गया, दीज आर द टैक्सोनॉमिकल एड, ये सब क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड हो गए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, और मैंने आप वेट करो एक मिनट बस। हाँ देखो, यहाँ पे तो एक ये लेसन ख़त्म हो गया, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड समझ में आ गया आपको, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड बहुत इजी था, लिविंग वर्ल्ड में हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या करेक्टरिस्टिक हैं। फिर हमने डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना कि क्या होती हैं। डाइवर्सिटी है तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, हमारे सामने क्या चैलेंज है, हमारे सामने ये चैलेंज है कि हम उन डाइवर्सिटी को डील कैसे करें, उनकी स्टडी कैसे करें, उनकी इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में कैसे जानें, ठीक है। मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, ठीक है, स्पाइसेस का एग्जांपल लिया, क्लोथ का एग्जांपल लिया, फिर मैंने एनिमल्स ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि इस तरह से वैरायटीज़ होती हैं, वैरायटीज़ होती हैं तो उनको डील कैसे करते हैं ये मैंने बताया, ठीक है। उनको हम आइडेंटिफिकेशन करके, उनका नॉमिनक्लेचर करके, क्लासिफिकेशन करके हम उनको डील कर सकते हैं, मतलब उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, हायरार्कियल सिस्टम पढ़ा कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि बहुत सारी कैटेगरीज़ में अरेंज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज़ कर सकते हैं, इन सारी कैटेगरीज़ के बारे में बता दिया। फिर हमने पढ़ा टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में, मतलब इन सारी चीज़ों को करने में हमें जो भी चीज़ें हेल्प करेंगी उनको हम टैक्सोनॉमिकल एड बुलाते हैं। समझ में आ गया। देखो कुछ जो अगर आपके पास कोई साइड बुक होगी तो साइड बुक में बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो मैंने आपको बताया है इस लेसन, मतलब इस अपनी इस क्लास में, ठीक है, ये पूरी तरह से टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी पे, पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द क्लासिफिकेशन टेक प्लेस, क्लासिफिकेशन कैसे होता है और साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, ठीक है। और मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत सारे असाइनमेंट दे रखे हैं, होम असाइनमेंट, प्लीज़ उन असाइनमेंट को कंप्लीट करो, और एक असाइनमेंट ये और ले लो, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज क्यों होता रहता है, ये सेकेंड क्वेश्चन अभी मत करना, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा लूँगा तब ये इसका आंसर आपको और इजी लगने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल, ये तो आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप जो है जिन लोगों से रोज़ मिलते हो उनको आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, किस बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम क्या सीखते हैं, अगर किसी को, किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है या किसी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो उनको आइडेंटिफाई करने पे हमें क्या, हम क्या, हमें क्या, मतलब हम व्हाट वी डू वी लर्न, हमें क्या सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, साइंटिफिक नेम दो लिखा हुआ है मैंगो का, आपको इजी, मतलब जो करेक्ट वन है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद डिफाइन टैक्सन, टैक्सन आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको नोट्स में भी बता रखा है। उसके बाद ये देखो जो ऑर्डर है ना, इसको पहचानना है कौन सा सही ऑर्डर है, आपको मैंने ट्रिक बता रखी है SGFOCPK, उसके बेसिस पे ये सेवन्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट है ट्राई टू कलेक्ट ऑल करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ल्ड स्पीसीज, स्पीसीज के बारे में किसने किसने क्या क्या बताया. जैसे मैंने आपको आई थिंक अर्नेस्ट के बारे में बताया था कि उन्होंने बताया था द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दोज कैन इंटरब्रीड. फिर हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा करेक्टर सिमिलर होते हैं उनको स्पीसीज बुलाते हैं. उन्हीं दोनों पॉइंट को आपको यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट है डिफाइन एंड अंडरस्टैंड, ये कुछ टर्म लिखे हुए हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है की कैसे यूजफुल है. और लास्ट वन है टैक्सो इलस्ट्रेट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, वही आपको जितने भी कैटेगरी हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो वो तो नोट्स में ही कवर हो जाएगा. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं. इसमें से केवल सेकेंड क्वेश्चन आप छोड़ के बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया. ठीक है, एंड आई एम एंडिंग दिस सेशन. सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ. एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम. स्टे एट योर होम, स्टे सेफ. Please don't spoil the time, utilize the time. This is the time where you can explore your subject. आप explore कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हो. ठीक है, so with this thought, I am ending this session. Stay at your home, stay safe. जय हिंद, जय भारत, goodbye.